जब हजरत सज्जाद अलैहि सलाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम का सर मुबारक और आले मुस्तफा को दमिश्क के बाजारों में से लेकर यजीद की दरबार तक पहुंचाया गया तो यजीद की बीवी ने उनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी असल में कौन थी, उसने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को क्या कहा था और यजीद की दरबार में जाकर सबके सामने यजीद को रुसवा क्यों किया था जबकि वो उसकी बीवी थी, ये पूरा वाक्या तफसील से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक रिवायत में है कि जिस वक्त कैदियों को दमिश्क में लाया गया तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा कि ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आओ वहीं चलते हैं। हिंद उठी, उसने उम्दा लिबास जेरे तन किया और अपनी सरतापा चादर ओढ़ी और उस मकाम पर आई और उसने खादमा को हुक्म दिया कि कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की नज़र उस पर पड़ी। आपने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहा, बहन क्या आप इस औरत को पहचानती हैं? बीबी उम्मे कुलसूम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने इसे नहीं पहचाना। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ये हमारी कनीज हिंद बिनते अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज करती थी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बात सुनकर जनाबे उम्मे कुलसूम ने अपना सर नीचे किया और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी अपना सर झुका लिया ताकि हिंद उनकी तरफ मुतवज्जा ना हो, लेकिन हिंद उन दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा, आपने आपस में क्या गुफ्तगू की कि जिसके बाद पुरसरार तौर पर और खास अंदाज में अपना सर झुका लिया, क्या कोई खास बात है? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कोई जवाब ना दिया और खामोश खड़ी रही। हिंद ने फिर पूछा, ए मस्तूरा, आप किस इलाके से हैं? अब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खामोश ना रह सकी और फरमाया, हम मदीने के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीने मुनवरा का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, तुम किन मदीने वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका व मौला हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर वालों के मुतलक पूछना चाहती हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर वालों का नाम लेकर हिंद की आंखों से मोहब्बत के आंसू जारी हो गए और खुद कहने लगी, मैं उस घर की खादमा थी और वहाँ काम किया करती थी, मुझे इस घर वालों से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, तो उस घर वालों के किन अफराद को जानती हो और किन के मुतलक दरियाफ्त करना चाहती हो? हिंद ने कहा, इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं आका हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम के पाकबाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपनी आकाजादियों ज़ैनब व कुलसूम की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और इसी तरह फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की दूसरी औलाद के मुतलक मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आँखों के साथ जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तफसील से तुझे बताती हूँ। तूने अली अलैहिस्सलाम के घर के मुतलक पूछा है तो हम उस घर को खाली छोड़ कर आए थे, तुम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतलक दरियाफ्त करना चाहती हो तो ये देखो, तुम्हारे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तुम्हारे शोहर यजीद के सामने रखा है, तूने औलाद अली अलैहिस्सलाम के मुतलक दरियाफ्त किया है तो हम अबुल फजल अल अब्बास समेत सभी नौजवानों को करबला के तपते सहरा में बेगुस्ल कफन छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतलक पूछा है तो उनके सब जवान मारे गए हैं, सिर्फ एक हजरत सज्जाद अलैहिस्सलाम बाकी हैं जो तेरे सामने है और बीमारी की वजह से नातवा हैं। और जो तूने ज़ैनब के मुतलक पूछा तो दिल पर हाथ रख कर सुन, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कुलसूम है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का दर्द भरा जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और मुंह पीट कर कहने लगी, हाय मेरी आकाजादियों, ये क्या हो गया,
मेरे मौला का हाल कैसा है, हाय मेरे मजलूम आका हुसैन अलैहिस्सलाम, काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और फातिमा की बेटियों को इस हालत में ना देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपना सर पीटने लगी। इतनी जोर से सर पीटा कि उसका सारा बदन खून से लाल हो गया और वो गिरिया करके बेहोश हो गई। जब होश में आई तो बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा उसकी तरफ मुतवज्जो होकर फरमाने लगी, ए हिंद, तुम खरी हो जाओ और अब अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा शोहर यजीद बड़ा जालिम शख्स है, मुमकिन है कि तुम्हें आजार व अजियत पहुँचाए। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार लेंगी, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून तबाह हो जाए। हिंद ने जवाब दिया, बाखुदा मुझे अपने आका और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज्यादा कोई चीज नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका है और अब मैं अपनी जिंदगी के बाकी लम्हात इसी तरह रोते हुए गुजारूंगी। और ए मेरी आकाजादियो, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, आप सब मेरे घर आएं, वरना मैं भी आपके साथ यहीं बैठी रहूंगी और कतई अपने घर नहीं जाऊंगी। ये कहकर हिंद खड़ी हो गई और अपनी चादर उतार कर मुँह पीटती हुई सर बरहना यजीद के पास आ गई। यजीद उस वक्त बैरूनी मुल्क से आए हुए सुफरा के साथ बैठा हुआ था, तारफ में मोहफ था। हिंद ने यजीद से कहा, ए यजीद, क्या तूने हुक्म दिया है कि मेरे आकाजादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नोके नेजा पर बुलंद किया जाए और दरवाजे पर लटका दिया जाए? यजीद ने अपनी जोजा को इस हालत में देखा तो फौरन उठ खड़ा हुआ और भरी दरबार में उसे सर बरहना देख कर बर्दाश्त ना कर सका। उसे चादर पहनाई और कहने लगा, हाँ मैंने हुक्म दिया है, अब तू नवासाए रसूल पर मातम करना चाहती है तो बेशक कर, लेकिन हकीकत यह है कि इब्ने ज़ियाद ने जल्दबाजी से काम लेते हुए हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। जब यजीद ने मकरो फरेब से भरे जुमले कहे तो उस वक्त उसने हिंद को चादर ओढ़ाई तो हिंद ने कहा, ए यजीद, खुदा तुझे तबाह करे, अपनी जोजा को भरे दरबार में सर बरहना देकर तेरी गैरत जाग उठी, मगर तू रसूल जादियों को खुलेआम सर बरहना बाजारों और दरबारों में लाया है और उनकी चादरें छीनकर उन्हें नामहरमों के सामने लाते वक्त तेरी गैरत कहाँ मर गई थी? वाय हो तुझ पर ए यजीद।